और राइट असलकम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रेकमेंडेड इज़ नॉट टू डू द फर्स्ट टू एग्ज़ाम्पल्स दिस वन करनी है तो कर ले वैसे मर्जी है एग्जाम्पल्स एंड में लिख ले और अपनी लिख ले तो बेहतर है ये बहुत अजीब सी है मुझे पढ़ने का भी नहीं दिल कर रहा है इतनी अजीब अच्छा यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है प्रोजेक्ट आई टी प्रोजेक्ट यूज़ टू डिवेलप प्रोडक्ट और सर्विस सच एज़ सॉफ़्टवेयर हार्डवेयर या आई टी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताया हुआ है यहाँ पर कि क्या चीज़ें तो उसके बाद उन्हें नहीं बताया हुआ है अब चलो इसे पूरा पढ़ लेते हैं मुझे ऐसे बताना ही नहीं आ रहा ये आई टी प्रोजेक्ट्स आर यूज़ टू डिवेलप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एज़ न्यू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग्स ऑन न्यू सिस्टम्स मोस्ट आई टी प्रोफेशनल्स आर फैमिली विद द कन्सेप्ट ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्पेशली फॉर डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर हम क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ रहे इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ बस ये लिखा हुआ है कि आई टी प्रोजेक्ट जैसा कि डिवेलपमेंट के लिए यूज़ करता है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्क रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह ट्रेनिंग वगैरह करता रहता है अपने सिस्टम्स में न्यू सिस्टम्स आते रहते तो हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ चलता रहता है आगे वो कह रहे हैं कि ये फैमिलियर कॉन्सेप्ट है आई वालों के लिए आफ्टर आई टी प्रोफेशन प्रोफेशनल्स के लिए कि ये लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है इस्पेशली जब वो डिवेलपमेंट का, का काम करते सॉफ्टवेयर डिवेलप कर रहे होते तो उनके लिए ये बहुत आम सा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट चलते हैं हम आगे Software developing project are one of the uh, one subset of IT projects. Many IT pro project involves researching analysis and uh, purchasing and installing new hardware and software. Little or no actual software develop required. यहाँ पे हम अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं कि भाई जब IT projects होते हैं उसके लिए हमें क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं। माइंड में जरा सोचो एक दफा, researching, analysis, purchasing, installing ये चार और hardware. ये चार नाम याद कर लो बस ये ज़रूरी होता है तो हमने ये लिख देना कि अगर हम न, आई का न्यू प्रोजेक्ट बना रहे तो उसके लिए हम हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होगी ये चार पाँच नाम लिख देना कि ये ना ये चीज़ें हमें ज़रूरी है हमें इनके ऊपर फोकस करना है ये इन्वॉल्व होगी बस आगे कुछ नहीं करना इसके अंदर भी आगे उन्होंने एक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको याद करना है फिर आगे आई वाई आई एम एनेबल टू हाईलाइट हाईलाइट कर देती ये इसका कॉन्सेप्ट सारा कर लेना है आपने अपने इंग्लिश में या इसी इंग्लिश में जैसे भी आपको बेहतर लगे सारा ही करना है इसको ठीक है ये सारा ही करना है आपने तो आगे चलते हैं इसे एक दफ़ा पढ़ लेते हैं सिस्टम डिवेलपमेंट लाइफ साइकिल एस डी एल सी इज़ द फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग द फेज़ ऑफ द डिवेलपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सम पॉपुलर मॉडल्स ऑफ द एस डी एल सी इनकलूड्स द वाटरफॉल मॉडल स्पाइरल मॉडल इंक्रीमेंटल बिल्ड मॉडल एंड फोटो कापिंग मॉडल एंड रैपिड एप्लीकेशन मॉडल जिसे हम रैड कहते हैं ये हमारे पास अच्छा ये वैसे दिखने में इतना मुश्किल लग रहा है ना इतना मुश्किल ये है नहीं ये बहुत आसान है इसके अंदर बस चार चार नाम याद करने हैं चार एक पाँच पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे ठीक है उसके बाद बताना है कि ये जो मॉडल्स को इन्वॉल्व करता है ये एक मिनट बल्कि छोड़े इसको यहाँ से ये यहाँ पर आ जाए ये नीचे है ना ये देखिए वाटरफॉल मॉडल वाटरफॉल लाइफ साइकिल मॉडल है स्पायरल लाइफ साइकिल मॉडल है नीचे आते है, ये दो मॉडल हो गए फर्स्ट मॉडल सेकेंड मॉडल ठीक है नीचे आ जाए ये रहा हमारा थर्ड मॉडल और ये फोर मॉडल थर्ड है इंक्रीमेंटल बिल्ड लाइफ साइकिल और ये फोटो कापिंग लाइफ साइकिल मॉडल ठीक है और ये फिफ्थ मॉडल है हमारा रेड आर ए डी रेड में हमारे पास क्या इसका ऊपर एप्लीवेशन ऊपर आपको मिल जाएगा किस लिए स्टैंड करते हैं रेड स्टैंड फॉर रेपे रेपिड रैपिड रैपिड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट ठीक है अच्छा हमने ये बताना है कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है ये एक फ्रेमवर्क है फॉर डिस्क्राइबिंग द फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके चार पॉपुलर मॉडल्स हैं वाटरफॉल मॉडल है स्पाइरल लाइफ साइकल मॉडल है इंक्रीमेंटल बिल्ट लाइफ साइकिल है और फोटोकॉपिंग लाइफ साइकिल मॉडल है पहला लाइफ साइकिल मॉडल जो है वाटरफॉल लाइफ साइकिल इसमें क्या है इसमें भी कुछ याद करने वाला ज़्यादा नहीं इसके अंदर बस ये बताना है कि लीनियर स्टेजेस होते हैं पहली बात लीनियर स्टेजेस होते हैं उसके बाद बताना है यहाँ से ना करो ये पिक्चर देखो यहाँ से करो इसे याद ये लीनियर स्टेजेस है और लीनियर स्टेजेस का मतलब होता है लीनियर ही मतलब सीक्वेंस के साथ कुछ चलना तो ये लीनियर स्टेजेस है उसके नाम याद करने फिर आपने के एनालिसिस डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट बस और कुछ नहीं करना फिर इसका करना है स्पायरल मॉडल स्पायरल मॉडल में लीनियर नहीं है इट्स बट इट्स बेटर देन द वाटरफॉल मॉडल साइकिल वाटरफॉल मॉडल साइकिल ठीक है ये देखे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द रिफाइनमेंट और मतलब ये जो डेवलप हुआ था ये इस इस वाले मॉडल को बेटर करने के लिए वो बेटरमेंट इससे डिवेलप किया गया था कि ताकि इससे बेहतर कुछ हो सके तो ये डिवेल्प किया गया इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पर लार्ज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके लिए ये वाला यूज़ किया जाता है क्यों क्योंकि इसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आइट्रेटिव और स्पायरल अप्रोच करता है रेदर देन लीनियर ठीक है वो आइट्रेटिव और स्पायरल अप्रोच करता है रेदर देन लीनियर अप्रोच इसलिए ये बेटर है नीचे ही कुछ एक लाइन ने ये याद कर लेने बाद में कि ये अप्रोच करता है फॉर द प्रोजेक्ट इट इज चेंजेस कैन बी ही इनकॉर्पोरेटेड विद रिस्पॉन्सिबल कॉस्ट इंक्रीज्ड और द और विद एक्सेप्टेंस टाइम डिले ये दो मॉडल्स कर लिए हो सकते हैं इनका डिफरेंस आ जाए आगे चलते हैं इंक्रीमेंटल बिल्ड लाइफ साइकिल और फोटो कॉपिंग लाइफ साइकिल और रेड रेड लाइफ साइकिल इंक्रीमेंटल की भी एक लाइन करनी है ये रटा मार लेना क्या करोगे समझ के से इतना ये समझा ही दूँ प्रोवाइड द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट और ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर विच विद ईच रिलीज प्रोवाइडिंग एडिट कैपेबिलिटी कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है ऐड करना ना तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ प्रोवाइडिंग इंक्रीमेंटेड एडिट एडिट कैपेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है एडिट कैपेबिलिटी और दूसरी ऊपर बात की है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर ठीक है नीचे क्या कह रहे हैं फोटो कॉपिंग फोटो कापिंग नाम से ना चीज़ों का पता चल जाता है नाम से उसका पता चल जाता है कि उसका काम क्या होगा जैसे ऊपर इंक्रीमेंटल था मतलब एडिड कैपेबिलिटी रखता है तो इसलिए इसका नाम इंक्रीमेंटल रखा है इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक चीज़ का इंक्रीमेंट कर दिया ऐड कर दिया कुछ फ़ोटो का मतलब क्या होता है फ़ोटो करना फोटो सॉरी फोटो नहीं है ये फोटो टाइपिंग फोटो टाइपिंग का मतलब क्या होता है फोटो टाइपिंग करना फोटो को टाइप करना नहीं ऐसा कोई मतलब है इसका यूज़ फॉर डिवेलपिंग सॉफ्टवेयर फोटो टाइप टू क्लियर क्लेरिफाई यूज़र रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑपरेशनल सॉफ़्टवेयर मतलब ये कि किसी चीज़ की फ़ोटो टाइपिंग करना ताकि वो यूज़र को क्लियर हो और वो अपने ऑपरेशन सही तरह से कर सके ठीक है नीचे लिखा हुआ इन्वॉल्व इन्वॉल्व अ ग्रेट डील ऑफ यूजर इंटरफेस डिज़ाइन रेड का क्या अप्रोच द डेवलपमेंट वर्क विद रैप इसका क्या था रैपिड डेवलपमेंट रैपिड पता नहीं क्या था रैपिड रैपिड व्हाट वाज़ ए स्टैंड फॉर रैपिड हाँ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो ये डेवलपर वर्क के लिए यहाँ पे an approach in which developer developers work with an involving prototype and model also requires heavy user involvement and helps produce system quickly without sacrificing quality developers use already that tools such as computer edit <coughs> <coughs> सी एस ई केस कम्प्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंड फॉर केस जेड और जे आर पी ये इनके नाम याद कर लेना बस सिंपल इसे यूज़ कर रहा है लिखना क्या है कि रेड जो है फर्दर मोर किसे यूज़ कर रहा है कैस को जेड को और जे जे आर पी को इसके पूरे पूरे एब्रीवेशन याद कर लेना ठीक है पूरे पूरे स्टैंड्स फॉर याद कर लेना बस और ये नीचे वाला ए एस डी याद कर लेना इसके अंदर से ये बस बस इतना ही करना इस टॉपिक में